अगर कोई रिश्ते के लिए आता है तो वो यहाँ पे टूट जाते हैं, रिश्ते देने के लिए कोई तैयार ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुड़ चुके हैं आईबीएन न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जी हाँ, आप ये जो मेरे पीछे ये नज़ारा देख रहे हैं ये कोई दरिया नहीं है। जी हाँ, दिखने में बिल्कुल दरिया लग रहा है लेकिन कोई नदी नहीं है, कोई दरिया नहीं है। जी हाँ नाज़रीन, ये मंजहर हाईहामा शाठपोरा यानी इलाका हाईहामा का रोड है जो कि कुपवारा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। जी हाँ, हाईहामा अगरचे बहुत मशहूर एरिया है, यहाँ पे पोलिंग हमेशा अच्छी होती थी पहले पहले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेवलपमेंट अगर स्ट्रक्चर को देखा जाएगा, चाहे वो रोड की हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो बिजली की हो, डेवलपमेंट के लिहाज से ये इलाका यानी इलाका हाईहामा बहुत खस्ता है, बहुत पीछे है। ये देखिए आप गाड़ियों का हाल, ये गाड़ियों को यहाँ क्या होता है। ये जो ये रास्ता जाता है ये कोई आम रोड नहीं है, कोई लिंक रोड नहीं है, ये रास्ता यहाँ बिल्कुल बहुत सारे इलाकों को जाता है, जैसे कि मंजहर, जैसे कि हुमंदर, जैसे कि शाठपोरा, मनीगा, इस मेन एंट्री है हाईहामा की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसी रोड की हालत इतनी खस्ता है कि यहाँ लोगों ने कहा कि हमें मेहमान आते हैं, हमें रिश्ते के लिए कोई आता है, घर देखने के लिए कोई आता है, लेकिन हमें हमारे जो रिश्ते हैं वो टूट जाते हैं। बहाना यही है कि ये जो रोड है इसकी हालत बहुत
हंसता है। ये एक स्पॉट है यहाँ पे इस वक्त में एग्जैक्ट जो इकबाल मेमोरियल सेकेंडरी स्कूल शाठपुरा है उसके बिल्कुल फ्रंट साइड पे मौजूद हूँ। यहाँ से एक इंस्टीट्यूशन भी जाता है, यानी बड़ा फेमस इदारा है। और लोगों का मानना यह भी है कि अगरचे डिप्टी कमिश्नर कुपवारा जो इमामुद्दीन साहिब है उन्होंने आज खुद दो विजिट्स किए इलाका हाई हमा के, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकल लेवल पे, अगर उसने दावे भी किए थे लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे ये जो सिचुएशन है इस रोड की वो वैसी की वैसी ही है। अगरचे सोपोर से कोई आता है जो जबकि डिस्टेंस 50 किलोमीटर्स है वो आराम से पहुंच जाता है, लेकिन मनीगा से, लेकिन मंझार से लोग मेन टाउन कुपवारा नहीं पहुंच जाते हैं। अब यहाँ जो ड्राइवर हजरात है इस हाई हमा एरिया के, उन्होंने अब ये फैसला लिया है कि हम मंडे से बिल्कुल स्ट्राइक पे जाएंगे, क्योंकि रोड की इतनी हालत जो है वो खस्ता हो चुकी है कि अब चलने लायक रोड नहीं है। रोड जो है ये दरिया बन गया है, ये स्ट्रीम्स में बदल गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये विजुअल जो है, आप देखिए गाड़ियों को क्या होता है। आपने इससे पहले भी हमने बहुत सारे कवर स्टोरीज किए, हमने आपको विजुअल्स दिखाए हाई हमा के, लेकिन इलाका हाई हमा जो है इसको हमेशा इग्नोर किया जाता है। ये एक गाड़ी यहाँ से पास हो रही है तो देखिए आप इस गाड़ी का नज़ारा। अगर कभी कभार यहाँ बीमार होता है कोई या इसके साथ साथ कोई सीजर इन डिलीवरी होती है किसी माँ बहन की तो उसको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और इसके साथ साथ जो मेन टाउन कुपवारा है सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर वाका, चाहे मंझार हो, चाहे शाठपुरा हो, चाहे मिरनाग हो, चाहे मनीगा हो, ये बहुत बड़ा इलाका है। जी हाँ, अगरचे हाल ही में जो नए DDCs बन गए हैं लेकिन उन्होंने भी ये मुतालबा गवर्नमेंट के सामने नहीं रखा। जी हाँ, अभी वो भी खामोश बैठे हैं। अगरचे इस ये जो हाई हमा है इसका ब्लॉक बिल्कुल अलग है। हाई हमा जो है ये दो शायद उसको कहेंगे हम परहैप्स डिवाइड किया गया है दो डिवीजनों में, एक तो है हाई हमा ए और दूसरा है हाई हमा बी। अगरचे हलमतपुरा की बात करें, गुनीपुरा की बात करें, जी हाँ ये रोड गुनीपुरा भी जाता है, इसके साथ साथ मिरवाइन भी जाता है, यानी जो हाई हमा ए है उसको भी कनेक्ट कर लेता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम इस रोड की बाकी हालत भी देखेंगे, ये मैंने आपको एक स्पॉट पे लिया तो आपने देखा इस स्पॉट पे इस रोड की हालत कितनी खस्ता है। अगर जो पिछले हाल ही दिनों में, शायद पिछले साल, यस पिछले साल इस रोड पे मैकडम भी डाला गया लेकिन ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल नहीं है, ये फिर भी यहाँ थोड़ा बहुत वाइडनिंग ठीक है। लेकिन सर आपके रोड का मसला जो है ये बहुत पुराने से चल रहा है, यहाँ हाई हमा में कोई बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, रोड हो पानी हो, ये देखिए आप पीछे दरिया जैसा बन गया है, तो क्या कहेंगे? जी ये बदकिस्मती से हमें कहना पड़ता है कि आज 21वीं सदी के दौर में भी यहाँ इस रोड की हालत ये है। जो जो बारिश आती है, यहाँ फ्लड आता है तो ये पूरा का पूरा हमें यहाँ जाता है, मकानों में घुस जाता है। तो अगर DDC मेंबर की बात करें तो वो हमारे गांव का ही है, यही गुडलीपुरा का है, तो उसने भी यहाँ पे बहुत सारे दौरे किए। तो अगर डिप्टी कमिश्नर साहब इमामुद्दीन साहब जो यहाँ पे पारा के डिप्टी कमिश्नर साहब ने उसकी बात कहें तो उसने भी यहाँ पर दौरा किया। लेकिन हम उसे रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं, दर्दमंदाना अपील करते हैं उसे कि वो यहाँ पे आज खुद आए और इस रोड की हालत को देखकर पावर की बात कीजिए। आपको पावर ना होने के बराबर, जी सर क्या कहें, तो ना होने के बराबर, एक घंटा भी नहीं होता है मुश्किल से। अच्छा, इस रोड की हालत बहुत खस्ता है तो ऊपर मंझार तक शाठपुरा पूरा मंझार तक खराब है, क्या अपील रहेगी आप गवर्नमेंट को? हम गवर्नमेंट से ही चाहते हैं कि इसकी मरम्मत की जाए। यहाँ हाई हमा ये जो बड़ा दिक्कत होती है, ये जो ब्लॉक है हाई हमा ये अलग ब्लॉक है, यहाँ DDC है, BDC है, लेकिन अभी तक DDC अभी है, वो सब है, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया सामने, कोई भी यहाँ पे नहीं आया अभी तक। थैंक यू।